हाय दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि किसी भी फोटो का बैकग्राउंड कैसे निकालते हैं। आपके पास कोई फोटो है और उस फोटो के पीछे का जो बैकग्राउंड है वो आपको रिमूव करना है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी फोटो का बैकग्राउंड कुछ सेकंडों में कैसे निकाला जा सकता है। उसके लिए मैं जो ऑप्शन बताने वाला हूँ वो इतना बढ़िया और इतना अच्छा ऑप्शन है कि आप कुछ सेकेंड्स में किसी भी फोटो का बैकग्राउंड निकाल सकते हो। तो आज हम देखते हैं कि किसी फोटो का बैकग्राउंड कैसे निकालना है। उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। क्रोम ब्राउज़र पे जाने के बाद हम रिमूव डॉट बी जी पे जाते हैं। ये रिमूव डॉट बी जी ये फोटो निकालने के लिए ही बनाया है किसी भी बैकग्राउंड, जिसके नाम से ही आपको पता चलता है कि रिमूव इमेज बैकग्राउंड। सो आपका फोटो जो है उसका बैकग्राउंड निकालने के लिए इससे अच्छा ऑप्शन नहीं है। काफ़ी आसानी से किसी भी फोटो का बैकग्राउंड निकालने के लिए ये अच्छा ऑप्शन है। अब आप क्या करें, किसी भी फोटो को जिसका बैकग्राउंड निकालना है वहाँ पे अपलोड इमेज पे क्लिक करें, और अपलोड इमेज पे क्लिक करने के बाद जिस फोटो का बैकग्राउंड निकालना है उस फोटो को आप सिलेक्ट कर लें। देखो आप थोड़ी सी देर के लिए आप देखेगा कि वो फोटो अपलोड हो रहा है। यहाँ पे वो फोटो अपलोड हो जाएगा। जब तक वो फोटो अपलोड हो रहा है तब तक वो आपको दिख रहा है ये कैसे अपलोड करता है और अपलोड करने के बाद बैकग्राउंड कैसे निकालता है। सो ये AI टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो हमारी फ़ोटो है उसमें इंसान की फ़ोटो को वो बराबर रिकॉग्नाइज करता है, और उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो उस बैकग्राउंड को वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके निकाल देता है। अब आप देखोगे कि यहाँ पे आपके पास में एक ओरिजिनल फ़ोटो जो आपकी दिख रही है वो ऐसी है, जिस फोटो को आप देखने वा देख जिसका फ़ोटो का रिमूव आप बैकग्राउंड निकालने वाले थे वो फ़ोटो इस तरह की है। और उसने उसके बाजू में देखिए आप रिमूव बैकग्राउंड वाला ऑप्शन भी दिख रहा है आपको कि आपके ओरिजिनल फोटो का बैकग्राउंड निकालने के बाद वो कैसे दिखती है। तो ये है आपका बैकग्राउंड निकालने के बाद वाला फोटो, और वो बाजू में है वो ओरिजिनल फोटो आप देख रहा है आपको। और आप देख सकते हो कि इसने बराबर AI टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए उसका बैकग्राउंड ऑलमोस्ट निकाल दिया है। इसमें एक और सबसे अच्छा ऑप्शन है, इसका ऑप्शन है वो एडिट, मतलब इसके बैकग्राउंड निकालने के बाद आपको कौन सा बैकग्राउंड डालना है वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। कुछ रेडीमेड बैकग्राउंड्स हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हो। देख सकते हो कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप उस निकाले हुए बैकग्राउंड के बजाय क्या रखना चाहते हो वो ऑप्शंस भी यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मुझे ये अच्छे लग रहे हैं बैकग्राउंड, मैंने जस्ट चेंज कर लिया, देख लिया कि मुझे भी कौन सा वाला बैकग्राउंड रखना है। वो मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक कर करके देख रहा हूँ कि मुझे कौन सा वाला बैकग्राउंड चाहिए, वो मैंने वहाँ पे सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मेरे को पसंद आ गया कि ये वाला बैकग्राउंड मुझे रखना है। जैसे ही ये बैकग्राउंड रखने के आपने सोच ली, उस पर क्लिक करो, वो बैकग्राउंड सेट हो जाता है और उस फोटो को हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। मतलब अभी मेरी फ़ोटो का बैकग्राउंड भी निकल चुका है और उसके पीछे मुझे जो चाहिए था वो बैकग्राउंड भी मैंने ले लिया और उस फोटो को मैंने डाउनलोड भी कर लिया। इस तरह से ये मेरी फ़ोटो का बैकग्राउंड निकलने के बाद, नया बैकग्राउंड डालने के बाद, ये फ़ोटो मेरे स्क्रीन पर अभी डाउनलोड हो चुकी है, जिसको मैं कहीं पर भी जब चाहे जिधर चाहे मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। तो देखा दोस्तों आपने कैसे कुछ सेकंड्स में किसी भी फोटो का बैकग्राउंड निकालना कितना आसान है। बिना किसी तकलीफ के आप फोटो का बैकग्राउंड कुछ सेकंड्स में निकाल सकते हो। इसके लिए आपको किसी प्रकार की कोई ऐप या कोई भी किसी प्रकार का ऐप अपने मोबाइल में या इंस्टॉल करने की ज़रूरत है नहीं। और इस तरह से जिस फोटो का बैकग्राउंड निकालने के लिए आपको पहले बहुत ज़्यादा तकलीफ उठानी पड़ती थी, वो अभी कुछ सेकेंड्स में बैकग्राउंड निकाला जा सकता है। आई होप कि इसका यूज़ करते हुए आप किसी भी फोटो का बैकग्राउंड आराम से निकाल सकते हो, और ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। मुझे लगता है कि इसका आज का जो वीडियो है मेरा, ये आपको समझ में आया होगा और इसका हर कोई यूज़ करेगा।